वेलकम टू कोडिया डिजिटल लर्निंग पिलामने अगर हमें षष्ठ श्रेणी गणित पाठर पूर्ण संख्या विषय पढ़ी आसुले आज आम पूर्ण संख्या मध्य योग और वियोग प्रक्रिया विषय किसी जानवा अभ्यास करवा ठीक अच्छे पे आम गणित पाठ बही को देखा देख पे पूर्ण संख्या मध्य योग और वियोग प्रक्रिया प्रथम आम पूर्ण संख्या मध्य योग देखा ताहले पिला माने अगर तुम जानिछो जे स्वाभाविक संख्या मानक मध्य योग प्रक्रिया सह तुम माने अगर जानिछो जेपरी युक्त पांच ओ पांच मध्य कौन सी पार्थक्य ना एणु पांच योग तीन बा युक्त पांच योग युक्त तीन मध्य कौन सी पार्थक्य ना तेणु आम कहीपर जे युक्त पांच योग युक्त तीन सामान युक्त आठ तेब यही योगफल किपर पाई आस आम मन पकड़ा ताहले यह आम बहु पूर्वर मध्य योग प्रक्रिया आम जाचु पिलाए ताहले एबे जदि आम मन पकड़ा ताहले देख पांच टी फूल तीन टी फूल आठ फूल है से तीनोटी फूल को गोटे आनी जदि आम पांच टी फूल सह मिसाइले एठू आसीज छोग दुई पांच जग तीन सामान आठ टी फूल हूँ ताहले छोग तीन सामान मध्य छोग दुई सामान मध्य आठ टी फूल है ताहले पुणी जदि आ गोटे फूल आनवा ताहले सात जग एक फूल सामान से सामान फल आम पाइबा तापर जदि शेष गोटिक मध्य आम आनी पकेबा एकाथर के आठटी फूल हो गला एपरी संख्या क्रम अनुसार ये गोटे गोटे आनी आम क्रमान्वय मिसे एकाठी पाइले आठ पाइले यही कार्य को आम संख्या रेखा उपरे जदि आम जानवा ताहले किपर जानवा देख पे देख प्रथम संख्याटी दर्शाईवाई शून सूचक बिंदु ठारु आरंभ करी प्रत्येक संख्या सूचक बिंदु पर्यंत जीव आम जदि प्रथम पांचटी थिला तापरे गोटी आनी मिसी आठटी हैला देखिलो ताहले पिला माने एठारे आम जानिबा जे युक्त पांच आउ युक्त तीन योगफल निर्णय करिबा लागि शून सूचक बिंदु ठारु प्रथमे पांच घर डाहाण को जीवा तापरे पुणी गणी गणी तीन घर पुणी डाहाण को जीवा तेबे आमे युक्त आठ पाखरे पहुंचिबा एणु जानिले आमे जे युक्त पांच युक्त तीन समान होची युक्त आठ ताहले एही प्रक्रिया रे आमे जदि देखिबा जे युक्त सहित विजुक्त को जदि आम योग करिबा ताहा किपरि हेबो एही प्रणाली रे निम्न योग क्रिया गुडी को आम संपादन करिबा ताहले एही कोन नंबर देख पिलाय एठारे अछि विजुक्त तीन तीनटा विजुक्त संख्या सूचक विजुक्त अछि तापरे गोटे युक्त अछि युक्त पांच विजुक्त तीन एटा को जदि आम योग करिबा ताहले आमे आगर जानिछु जे विजुक्तटा सब बाम पाख को जीव युक्तटा डाहाण पाख को जीव ताहले एठारे आमे कौन करिबा पिलाए देखो आमे प्रथमे विजुक्त तीन विजुक्त तीन रु एटा हला शून सूचक अच्छी प्रथम आम विजुक्त तीन आड़ को जीवा पुणी विजुक्त तीन रु युक्त पांच आड़ को जीवा देख एक दुई तीन बाम को आम तीन थर गले डाण को पांच थर जीवा
এই জায়গার পুনে যা পাঁচ থর এক দুই তিন চারি পাঁচ তাহলে আমি কেতে পাইলে যুক্ত দুই পাইলে হলা তাহলে পিলা মানে যুক্ত সূচক এবং বিযুক্ত সূচক এই যে পূর্ণ সংখ্যা গুড়ি আমি যোগ করিবা সংখ্যা রেখা মাধ্যমে আমি জানিলে এখানে আমি দেখিবা যে যুক্ত পাঁচ এই যে যুক্ত পাঁচ কু যোগ করিবা কার্য করিবা লাগি গোটে গোটে ঘর নেই পাঁচ ঘর গণি ডাহাণকু যিবা আমি যে সংখ্যা পাখে পৌঁছিলে তাহলে যুক্ত দুই পাখে আমি পৌঁছিলে হলা পিলা তাহলে কহিল দেখি সংখ্যা রেখা ব্যবহার করি বিযুক্ত চারিরে যুক্ত ছ যোগ কলে যোগফল কেতে হব বিযুক্ত চারি বিযুক্ত চারি কু আমি বিযুক্ত চারি কু যিবা পিলা এক দুই তিন চারি এথিরে আমি ছ যুক্ত করিবা পুনি এহা ডাহাণ কু যিব ছটি ঘর কু যিব ডাহাণ কু যিব এক দুই তিন চারি পাঁচ ছ দেখ এটা মধ্য যুক্ত দুই হব বুঝিগেলা তাহলে এখন আমি দেখিবা বিযুক্ত তিন যুক্ত পাঁচ সমান যুক্ত দুই হেলা এহা মধ্য যুক্ত দুই হব আগর আমি যাও দেখিলি এমিতি যুক্ত দুই হব হলা বেলা তাহলে আমি জানিবা পূর্ণ সংখ্যা মধ্যে বিয়োগ কিপরি করিবা তাহলে পিলা মানে আমি আগর জানিছু যে লাভকু ধনাত্মক সংখ্যা দ্বারা এবং ক্ষতিকু ঋণাত্মক সংখ্যা দ্বারা সূচিত করা যায় তাহলে গোটিয়ে সাধারণ কথা আমি সহজরে বুঝিপারিবা তাহলে লাভ কমি যায় যদি ক্ষতি অধিক হুয়ে যদি ক্ষতি অধিক হুয়ে তাহলে লাভ কমি যায় এই কথা লাগে গোটিয়ে উদাহরণ আমি দেখিবা দেখ পেলে এই উদাহরণ কু আমি পড়িবা বুঝিবা দেখ গোবিন্দ আলু বিকি দশ টঙ্কা লাভ কলা আউ পিয়াজ বিকি চারি টঙ্কা ক্ষতি হেলা তেবে তার মোট লাভ কেতে হেলা পিলাই দেখ পেলাই দশ টঙ্কা লাভ হেলা সে আলু বি বিকুথিলা আউ পিয়াজ বি বিকুথিলা তাহলে আলুরে সে দশ টঙ্কা লাভ কলা লাভ কলা মানে যুক্ত দশ হেলা তারপরে পিয়াজরে সে চারি টঙ্কা ক্ষতি হেলা পিয়াজরে সে বিযুক্ত চারি হেগলা তাহলে আমি যদি সংখ্যা রেখারে আমি দেখিবা তাহলে কোন হব পিলাই সংখ্যা রেখা আমি লাভ দশ হব দশরু পুনি চারি পছকু ফেরিব ন আঠ সাত ছ এইটা যুক্ত ছরে রহিব বুঝিগেলা তাহলে দশরু চারি বিয়োগ হয়েগল ছ হেলা তাহলে তার লাভ ছ টঙ্কা হেলা তারপরে তা পরদিন আলু বিক্রির লাভ দশ টঙ্কা কিন্তু পিয়াজ বিক্রির ক্ষতি পাঁচ টঙ্কা অর্থাৎ তার ক্ষতি এক টঙ্কা অধিক হয়েগল তাহলে ক্ষতি যদি অধিক হেলা পুনি ছরু এক টঙ্কা কটিযিব লাভ কেবল পাঁচ টঙ্কা রহিব বুঝিগেলা পিলা তাহলে আমি দেখিলে দ্বিতীয় দিন তার ক্ষতি এক টঙ্কা বড়িযার চারি টঙ্কা পরিবর্তে পাঁচ টঙ্কা ক্ষতি হেলা তেণু মোট লাভ এক টঙ্কা কমিগলা আগরু ছ টঙ্কা আগ দিন হয়েছিল তারপর দিন এক টঙ্কা পুনি ক্ষতি হয়েগলা তাহলে পাঁচ টঙ্কা লাভ হেলা এণু আমি জাঁলে পিলাই ক্ষতি যেতিকি বড়িব লাভ সেতিকি কমিব এথিরু আমি জাঁলে যে যুক্ত তিন যোগ করিবা যাহা তিন বিয়োগ করিবা তাহা ই বিযুক্ত তিন যোগ করিবা যাহা তিন বিয়োগ করিবা তাহা বুঝাইলা পেলায়
संख्या रे जदि वियुक्त चिन्ह थिबो ताहेले आमे ताकु सेई वियुक्त चिन्ह थिबा संख्या को जदि योग करबा ताहेले सेटा जेतु वियुक्त चिन्ह अछि सेटा संख्या रेखा रे पछ को जीव बाम पाख को जीव तेनु युक्त तिनी आमे जदि जहा योग करबा जहा युक्त तीनी वियोग करबा तहा वियुक्त तीनी जोग करबा जहा युक्त तीनी वियोग करबा तहा बुझाला पले या को तुमे टिके मन देई चिंता करले बुझी पारिबो ताहेले आमे ए उदाहरण को देखबो वियुक्त पांच युक्त वियुक्त तीनी ताहेले एहा सब बेले कोन हबो पले वियुक्त पांच प्रथमे वियुक्त चिन्ह अछि पुणी वियुक्त ताहेले एई सब बाम को जीव बुझेला देखो या को जदि हमें वियुक्त रे वियुक्त योग हेबो देखो आमे सात रु तीनी आमे किपरी वियोग करूछु सात वियोग तीनी को आमे सात प्रथमे गोटे वियोग करूछु दुई पाइला जेते रहिला पुणी गोटे वियोग करूछु जेते रहिला पुणी वियोग करी तीनी थरो एक 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 वियोग करी आमे चारि पाइली अर्थात सात रु आमे एक तीनी थरो वियोग करले सात रु थर थर करी तीन गोटी एक आमे कमाई सात रु तीन वियोग कले एक कमाइबा अर्थ से संख्या पाइबा जे संख्या रे पूर्व संख्या रो बाम पाखरे थाइबा एणु धनात्मक संख्या वियोग कला बेले आमे बाम को जीवा किंतु पिलाई देखो वियुक्त पांच योग वियुक्त तीन समान वियुक्त पांच वियोग युक्त तीन आम जदि बंधनी को देखा एठार कौन होमें देख वियुक्त पांच को आम देख एटा है वियुक्त पांच एटा वियुक्त पांच युक्त वियुक्त तीन वियुक्त ताहले पुणी आसीगला वियुक्त आठ को आसीगला बुझेला पुणी बाम को जीव शून सूचक बिंदु रु वियुक्त पांच सूचक बिंदु पर्यंत जीवा परे युक्त तीन वियोग करिया पई तीन घर एकक बाम पट को गले आम वियुक्त आठ पाइबा ताहले तुम्हें या को आम सहजरे जदि बुझिबा तुम्हें पांच टंका करज करथिल पुणी तीन टंका करज कल पांच टंका ऋण करथिल पुणी तीन टंका तुम्हें ऋण कल ताहले आठ टंका ऋणात्मक हला बुझिला पिले ताहले नंबर ख को देख पिले नंबर ख को आमे जदि बुझिबा वियुक्त आठ योग युक्त पांच एठार कौन हम पिला देख वियुक्त आठ आठ टंका आम ऋण करे पुणी युक्त पांच हो गला आम पांच टंका सुझीदेला उपार्जन कर सुझीदेला ताहले पुणी या डाहाण को आसी वियुक्त तीन रे रहिला तुम्हें पांच टंका धार कर पुणी ये आठ टंका धार कर पुणी पांच टंका फिरेदेल ताहले आउ तीन टंका धार रे रहिला एपरी बुझिबा देखिल एठारे आमे युक्त सात वियोग युक्त तीन या आम साधा संख्या पर युक्त सात तुम पाखे सात टंका अच्छी से तीन टंका तुम्हें खर्च करदेल
ତାହେଲେ 3 ଟଙ୍କା ପଛକୁ ଆସିଲା ଆଉ 4 ଟଙ୍କା ରହିଲା ହେଲା ଏଇ ବିଯୁକ୍ତ ଆଉ ଯୁକ୍ତକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ମନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବା ଧାର କରଜ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଭାବି ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା नंबर घ को देख पिलाई जुक्त तीनि वियोग विजुक्त पांच देख जुक्त तीनि जुक्त तीनि प्रथमे आमे जुक्त तीनि एक दुई तीनि जुक्त को गला देख एठारे विजुक्त पांच वियोग करिबा अर्थ हेउची विजुक्त पांच रो विपरीत संख्या पांच को जोग करिबा बुझाला पिला एठारे किपरि हेउची देखो देखो या को तुमे टिके मन दे देखबा को पडिबो आगरु आमे जानिचु देखो जुक्त माइनस फाइव बा विजुक्त पांच आम जदि वियोग करिबा ताहले वियोगर विपरीत होची जोग वियोगर विपरीत होची जोग यहार विपरीत जदि जोग करिबा एई विजुक्त चिन्हटी मध्य विपरीत हे युक्त हे जेबो बुझेला ताहले एठारे कोन हला तीन टंकारे पांच टंका मिसी गला जुक्त आठ हो गला एणु जुक्त तीन वियोग विजुक्त पांच एठारे जुक्त हो गला विपरीत हो गला आमे जदि याकु जोग करिबा याकु विपरीत हो जीव आमे वियोग रो विपरीत जदि जोग हला ताले एई विजुक्त चिन्ह टी एठारे युक्त चिन्ह है आठ हला बुझेला पिला ताहले एठारे आमे देखिबा आमे जो पाठ पढ़िले ताको आमे टिके भलो भाबरे लक्ष्य करिबा देख पिला संख्या रेखा साहाय्य रे योग ओ वियोग कार्य संबंध रे केतोटी जानिबा कथा योग बा वियोग कला बेले आमे शून्य सूचक बिंदु थारु आरंभ करू धनात्मक संख्या योग कला बेले आमे डाहाण को जीवा धनात्मक संख्या वियोग कला बेले आमे बाम को जीवा जेउ धनात्मक संख्या योग करबा को थाए गोटी गोटी करी सेति की घर आमे गणी डाहाण को जीवा जो धनात्मक संख्या वियोग करबा को थाए ताहेले गोटी गोटी करी सेति की घर आमे बाम को जीवा एटा डाहाण को जीवा देखो आमे जदि जोग करबा ताहेले डाहाण को जीवा जदि वियोग करबा बाम को जीवा देखो एक ऋणात्मक संख्या को जोग करिवा पाई सही संख्या रो विपरीत संख्या को नै वियोग करिवा आमे जदि ऋणात्मक संख्या को जेउ जगह रे वियुक्त चिन्ह देब ताकु आमे जदि जोग करिवा ताहेले सही संख्या रो विपरीत संख्या को नै आमे जदि वियोग मध्य करिवा वियोग करिवा एणु जेउठी ऋणात्मक संख्या जोग करबा को थाए सेठारे उक्त संख्या रो विपरीत संख्या को वियोग करबा को होए देख पिलाई ए उदाहरण साहाय्य रे हमें भलो भाबरे बुझी परिबा आउ एहा एक गोटे बुझीबा जदि जटिल होए ए उदाहरण साहाय्य रे तुम्हें बुझी परिबो देख जुक्त पांच जुक्त विजुक्त सात
ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଯଦି ବିପରୀତ ବିଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟି ଏଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଦେଖିଲେ ବେଲେ ଏଇ ଚିହ୍ନଟି ଯଦି ଏଇ ଚିହ୍ନଟି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ଦେଖ ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଂଖ୍ୟାର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିୟୋଗ କରିବା। ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିୟୋଗ ହେବ। ତାହେଲେ ବିୟୋଗ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେପରି ଯୁକ୍ତ ତିନି ବିୟୋଗ ବିଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ, ଏଠାରେ ଏଇ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ତିନି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଯୋଗ କରି ଆଠ ପାଇଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ପାଠଟିକୁ ତୁମେ ତୁମ ପାଠ ବହିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।